उसका पैर बचा ही नहीं है, उसके तो छीछड़े बन गए हैं ना। सिर्फ एक बार अपने दिल पे कोई रख के देखे कि किस तरीके से माँ बाप पे क्या गुजरती होगी जब उनकी औलाद इस तरीके से कट जाती है। मैं अपना सब कुछ बेच दूंगी, मैं अपना घर बेच दूंगी, सब कुछ जो हुआ मैं मेरे हस्बैंड हम सब कुछ करेंगे, पर अपने बच्चे को इंसाफ दिलाएंगे। ये आप मेरे बच्चे की रिपोर्ट देखें, ये इसके डॉक्टर ने जो है वो इसकी फाइनल रिपोर्ट लिख कर दी है। इसकी जितनी भी अब तक सर्जरी हुई है, इसके पैर का जो हशर हुआ है, ये एक मोहम्मद अमान की एक रिपोर्ट है। ऐसी कितनी अनगिनत रिपोर्ट है, वहाँ पे कितने बच्चों के साथ हादसे हुए हैं, हर साल होते हैं, ओशन मॉल में ही होते हैं, सबको पता है, पर कोई आगे आके बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? मिडिल क्लास इंसान को डरा दिया जाता है, इसी तरीके से उस पर झूठे केस लगा दिए जाते हैं। अब कोई मिडिल क्लास इंसान अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे वो करेगा, अरेंज करेगा, या वो ये कोर्ट में जाकर केस लड़ेगा, क्या करेगा? हर माँ बाप ना वो एक बार आए, मेरे बच्चे की सिर्फ हालत देखे, वो जिस तरीके से चीखता चिल्लाता है ना, उसकी जो भी अभी सर्जरी हुई है, उसका गोश्त कहाँ कहाँ से काट के नीचे लगाया गया है, वो चीख रहा है, वो मेरे बिना सोता नहीं है, वो रातों को उठ उठ के चीखता है, मैं आपको बता नहीं सकती। जिस जहनी अजियत से हम गुजर रहे हैं ना हम माँ बाप, आप यकीन करें, मैं कभी कभी अपने शौहर को ये बात बोलती हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे ये दिखाना था ना, तो ये दिन दिखाने से पहले मैं मर जाती, वो ज़्यादा बेहतर था। बच्चा मुझसे खुद पकड़ पकड़ के पूछता है मेरा पैर कहाँ है, मैं कब चलूंगा, मेरा पैर कहाँ है, मम्मा मेरी क्या गलती थी, मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा। मैं ये सवाल सबसे पूछती हूँ, मेरे बच्चे की क्या गलती थी? सिर्फ ये गलती थी वो ओशन मॉल में खेलने गया? हमारी आंखों के सामने हमारा बच्चा कटता चला गया, मैं नहीं रोक पाई ना। आप एक माँ की अजियत सोचे, एक बाप की अजियत सोचे, वो उसकी औलाद उसके सामने कट रही है और वो अपनी औलाद को बचा नहीं पाई। लेकिन अब भी सिर्फ ओशन मॉल वाले सिर्फ हम पे ये केस करना, ये सब कुछ करना, मैं कहती हूँ वो सिर्फ एक हमसे माफ़ी मांग लेते कि हाँ हमारी एक चीज़ टूटी हुई है ना, चले गलती हो गई, अब हमें धमकियाँ दे रहे हैं, तो हम क्या करें, ये क्या चाहते हैं हमसे? अभी जो है अमान की बड़ी बहन, वो सिर्फ इस मेंटल ट्रॉमे में है कि उसकी वजह से हुआ। अगर सिर्फ ओशन मॉल वाले कह देते हैं कि उनकी गलती, उनकी गफलत, उनकी एस्केलेटर टूटी हुई थी ना, ये सब कुछ हुआ, तो कम से कम उस बच्ची की लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी, वो एक मेंटल ट्रॉमे से निकल जाएगी कि उसकी गलती नहीं है। उसकी बड़ी बहन जो अब तक एक मेंटल ट्रॉमे में है, वो एक स्ट्रेस और डिप्रेशन में है, ये उसकी गलती की वजह से उसका पैर चला गया, उसके भाई का पैर कट गया। चांद रात वाले दिन वो बच्चा दर्द से चीखना शुरू हो गया, उसका कहीं पैर हिल गया या क्या हुआ, वो चीखना शुरू हो गया, उसके बैंडेज में से खून रसना शुरू हो गया। अब कोई हॉस्पिटल कुछ भी नहीं खुला हुआ था, हम कहाँ जाते इसको लेके? आप सिर्फ ये तसव्वुर करें कि एक बाप है ना, वो बाप अपने बच्चे को लेकर ईद के दिनों में वो इधर से उधर भाग रहे हैं कि कहीं मेरे बच्चे का इलाज हो जाए। मसला ये है कि अभी हम इसको हॉस्पिटल में रखते हैं, वहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड को कभी रास्ते में कोई दो लोग मतलब पकड़ के पूछ लेते हैं कि भाई अब आपने क्या सोचा है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप मॉल वालों के खिलाफ तो कुछ नहीं करेंगे, अब आपने फिर क्या करना है? फिर उनको जी आते जाते ऐसा होता है, फिर उनको फ़ोन पर भी धमकियाँ मिलती हैं, मतलब जान से मारने की धमकियाँ, या गंदी जबान लैंग्वेज यूज़ की जाती है, उन्हें गालियाँ दी जाती हैं, अब्यूज़ किया जाता है, उन्हें काफ़ी वर्बल अब्यूज़ किया गया है, काफ़ी गलत बातें कही गई हैं जो मैं इंटरव्यू में नहीं वर्ड्स यूज़ कर सकती। तो इस वजह से हमने उसको दो हॉस्पिटल मूव करवाया है, और वो अब वो घर पर बच्चा जिस तरीके से रखा है हमने, वो हम जानते हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है, जगह जगह से कंपाउंडर कहीं से कोई मिल जाता है, उसको बुलाकर उसकी बैंडेज करवाई जा रही है। अब वो इलाज तो उसका सही नहीं हो रहा ना बच्चे का, दो तीन दफ़ा वैसे ही उसको जख्म इन्फेक्शन हो चुका है, कितनी सर्जरी होंगी उसकी। आप मेरे बच्चे के पैर की हालत पूरी आवाम देखें, सब देखें कि उसका जो हशर नशर कर दिया है ओशन मॉल वालों ने, सिर्फ एक बार देख लें, या ओशन मॉल की जो जितने भी लोग हैं ना मैनेजमेंट के, उनकी फैमिली देखें, मेरे बच्चे का पैर देखें, और उसके बाद ये सोचें कि उस बच्चे पे और उसके माँ बाप पे क्या गुजरती है। कोई भी नहीं है हमारे साथ, कोई किसी ब्लॉगर ने हमें कॉन्टैक्ट नहीं किया आपके अलावा, बस एक आप हैं,
उसके अलावा किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने हमारी कोई आवाज़ सुनी ही नहीं, जैसे कि कभी हुआ ही नहीं है ये हादसा। मेरा कोई साथ नहीं देगा, ना दे, मैं अकेले केस लड़ लूंगी, मैं अकेले रोड पे जाकर बैठ जाऊंगी। पर मुझे तो मेरे बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए कि मेरे बच्चे के साथ क्यों हुआ है। बटन्स क्यों खराब थे? इमरजेंसी बटन्स उसको रोकने के लिए थे ना, मेरे बच्चे का पैर बच जाता, उसका कीमा तो नहीं बन जाता।